हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉजिक पर। आज हम बात करेंगे शर्शरारी एंड कोवेरेंटो की। दो रिट्स अब बची थी, इससे पहले हमने तीन रिट्स ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, हैबिस्कॉपस, मैंटमस एंड प्रोहिबिशन। अगर आपने नहीं देखी है उसकी वीडियो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शर्शरारी। शर्शरारी मीन्स टू बी सर्टिफाइड, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। द रिट ऑफ शर्शरारी इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सम इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू ट्रांसफर द मैटर टू इट और टू सम अदर सुपीरियर अथॉरिटी फॉर प्रॉपर इंस्टीट्यूशन। ये रिट एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी इन्फीरियर कोर्ट के लिए जारी की जाती है, या एक ट्रिब्यूनल को कि वो कुछ मैटर होता है कि वो या तो सुप्रीम कोर्ट को वो मैटर ट्रांसफ़र कर दे या किसी एक सुपीरियर अथॉरिटी को प्रॉपर कंसिडरेशन के लिए वो एक मैटर ट्रांसफ़र कर दे। मतलब ये मैटर से रिलेटेड एक रिट इशू करी जाती है। इफ़ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड देन सर्शियरारी रिट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऑल्सो। अगर इंडिविजुअल्स के राइट जो हैं वो अफेक्ट होते हैं तो सर्शियरारी रिट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू करी जा सकती है, फाइल की जा सकती है। प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेज कुशल दास, इट हैज़ हेल्ड दैट वेन एवर एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चन अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड हैविंग द ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली एक्ट्स इन एक्सेस ऑफ देयर लीगल अथॉरिटी अ रिट ऑफ सर्शियरारी लाइज। इट डज नॉट लाइ टू रिमूव मेयरली मिनिस्ट्रियल एक्ट और टू मूव रिमूव और कैंसिल एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। ये इसलिए नहीं दी जाती है किसी भी मिनिस्ट्रियल एक्ट को हटाने के लिए या किसी भी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स को कैंसिल या रिमूव करने के लिए। रिट लाइज ऑन जुडिशियल बॉडीज, द रिट कैन बी अवेल्ड ऑफ ओनली टू रिमूव और टू एडजुडिकेट अपॉन द वैलिडिटी ऑफ जुडिशियल एक्ट्स। ये इसलिए ही इशू की जाती है कि या तो रिमूव करने के लिए या एडजुडिकेट करने के लिए जुडिशियल एक्ट्स की वैलिडिटी को। द एक्सप्रेशन जुडिशियल एक्ट्स इंक्लूड्स द एक्सरसाइज ऑफ क्वासी जुडिशियल फंक्शंस बाय एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज और अथॉरिटीज और पर्सन्स ऑब्लाइज्ड टू एक्सरसाइज सच फंक्शंस एंड इज यूज्ड इन कंट्रास्ट विच आर प्योरली मिनिस्ट्रियल एक्ट्स। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेट डाउन टू प्रपोजिशंस फॉर असर्टेनिंग वेदर एन अथॉरिटी इज टू एक्ट जुडिशियली। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स दिए कि एक अथॉरिटी जुडिशियली एक्ट करेगी। इफ़ अ स्टैट्यूट एम्पावर्स एन अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ अ क्लेम मेड बाय वन पार्टी अंडर द स्टैट्यूट विच क्लेम इज अपोज्ड बाय अनदर पार्टी देन प्राइमा फेशे and in the absence of anything in the statute to the contrary, it is the duty of the authority to act judicially and to decide, and the decision of the authority is a quasi-judicial act. And if a statutory authority has power to do any act which will prejudicially affect the subject, then although there are not two parties apart from the authority and the contest is between the authority proposing to do the act and the subject opposing it, the final determination of the authority will be a quasi judicial act provided the authority is required by the statute to act judicially. grounds on which it can be issued, kya grounds hote hain jahan par ye jo certiorari ki writ hai wo issue kari ja sakti hai, where there is a want or excess of jurisdiction, jahan par want ya excess hota hai jurisdiction ka, where there is violation of procedure or disregard of principles of natural justice, jahan par violation kiya jata hai procedure ka ya principles of natural justice ka, वेयर देर इज एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड बट नॉट एरर ऑफ द फैक्ट, जहाँ पर एरर ऑफ लॉ होता है बट वहाँ पर एरर ऑफ फैक्ट नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं वॉन्ट और एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन की। द वॉन्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में अराइज फ्रॉम द नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर सो दैट द इन्फीरियर कोर्ट हैड नो अथॉरिटी टू एंटर ऑन द इंक्वायरी और अपॉन सम पार्ट ऑफ इट। Want of jurisdiction may also arise from absence of some preliminary proceeding or upon the existence of some particular facts which are necessary to the exercise of court's power and the court wrongly assumes that particular condition exists. Iske baad second condition hai, for correcting error of law apparent on the face of record. What is an error of law apparent on the face of record is to be decided by the courts on the facts of each case. Kya honge error ऑफ लॉ, ये अलग अलग केस पे कोर्ट डिसाइड करेगा। हरिविष्णु वर्सेज अहमद इशाक के केस में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो एरर कुड बी सेड टू बी एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड इफ इट वॉज नॉट सेल्फ एविडेंट एंड इफ इट रिक्वायर्ड एन एग्जामिनेशन और आर्ग्यूमेंट टू इस्टेब्लिश इट। इसके बाद थर्ड है डिसरिगार्ड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जहाँ पर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का डिसोबे किया जाएगा।
टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर जनरली एक्सेप्टेड. द कोर्ट और ट्रिब्यूनल शुड बी फ्री फ्रॉम बायस एंड इंटरेस्ट और द अल्टरम पार्टम. द प्रिंसिपल दैट द एडजुडिकेशन शुड नॉट हैव एन इंटरेस्ट और बायस इन द केस दैट नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस. एक पर्सन अपने खुद के केस में ही जज नहीं हो सकता है. जस्टिस शुड नॉट बी डन बट मैनिफेस्टली एंड अनडाउटली सीम्स टू बी डन. जस्टिस केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि वो दिखना भी चाहिए कि हाँ ये जस्टिस हो गया है. द रीजन फॉर टाइम रूल फॉर दिस रूल इज टू इनेबल द ट्रिब्यूनल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड इम्पार्शियली विदाउट एनी बायस टूवर्ड्स वन साइड और द अदर. द सेकेंड प्रिंसिपल इज दैट द जुडिशियल बॉडी मस्ट गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज टू द पार्टीज कंसर्न प्रेजेंटिंग देयर केस. दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी बात कह सके. इसलिए हम कहते हैं ऑडी अल्टरम पार्टम. रंजीत सिंह वर्सेज रवि प्रसाद के केस में द अपीलेंट लैंडलॉर्ड ऑनर ऑफ द प्रीमिसाइजेस इन ऑक्यूपेशन ऑफ रेस्पोंडेंट फाइल्ड अ सूट फॉर इविक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट अंडर सेक्शन 21 क्लोज 1 सब क्लोज ए एंड बी ऑफ उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग एक्ट 1972. It was said that the premises were required bona fide for his own business for fertilizers and agricultural implements. It was also alleged that the shop in occupation of the respondent was in a dilapidated condition and municipality had served notice on the appellant to demolish it. The prescribed authority dismissed his application. The appellant preferred an appeal which was allowed by the additional district judge. The respondent filed a writ in the High Court under Article 226. The High Court set aside the judgment and restored the trial court decision. The Supreme Court allowed the appeal and set aside the High Court's decision and restored the decision of the appellate court. The court held that the certiorari jurisdiction and supervisory jurisdiction correcting error of judgment of subordinate court is not permissible. The jurisdiction is not available to High Court for reapplication or evaluation of evidence or correcting the errors in drawing interference like a court of appeal. When it will not lie, ye kab issue nahi kar sakte hain. The writ of certiorari cannot be issued against a private body. Private body ke against mein aap is writ ko file nahi kar sakte hain. लाइक कॉरपोरेटिव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड. इसके बाद बात करते हैं कोवेरेंटो की. इट मीन्स वॉट इज योर अथॉरिटी और बाय वॉट अथॉरिटी. इसका मतलब है आपकी क्या अथॉरिटी है या किस अथॉरिटी से. इट इज अ रिट विद अ व्यू टू रेस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड. ये एक व्यक्ति को रोकता है फ्रॉम एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस जहाँ पर वो एंटाइटल नहीं है. द रिट ऑफ कोवेरेंटो इज यूज टू प्रिवेंट इलीगल असम्पशन ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस और यूसर्पेशन ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस बाय एनी बड्डी. ये डेट इसलिए इश्यू की जाती है कि आप किसी भी इलीगल असम्पशंस को पब्लिक ऑफिस में होने से रोक सके. इफ द इंक्वायरी लीड्स टू द फाइंडिंग दैट द होल्डर ऑफ द ऑफिस हैज नो वैलिड टाइटल टू इट द कोर्ट में पास एन ऑर्डर प्रिवेंटिंग द होल्डर टू कंटिन्यू इन ऑफिस एंड मे ऑल्सो डिक्लेयर द ऑफिस वैकेंट. The doctrine is that in cases where the initial disqualification is removed, it would be open to the authorities concerned to appoint the same person immediately, even if the court grants the writ of quoverento as desired by the petitioner. Who can apply? कौन इसे apply कर सकता है? It can be claimed by a person if he satisfies the court that the office in a question is a public office. कि जिस office की बात करी गई है वो एक public office है. It is held by a person without legal authority. The writ of quoverento is not issued in respect of an office of a private collector. जिस जहाँ पर एक प्राइवेट कलेक्टर का ऑफिस होता है वहाँ पर ये रिट इशू नहीं की जा सकती है. जमलपुर आर्य समाज सभा वर्सेज डॉक्टर डी राम के केस में द हाईकोर्ट रिफ्यूज टू इशू अ रिट ऑफ कोवेरेंटो अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द वर्किंग कमेटी ऑफ द बिहार आर्य समाज सभा अ प्राइवेट एसोसिएशन. इस केस में हाईकोर्ट ने मना कर दिया था रिट इशू करने से कोवेरेंटो की क्योंकि ये एक प्राइवेट एसोसिएशन के अगेंस्ट में फाइल की गई थी. It is not necessary that the petition for quoverento must have legal right in the office. Any member of public can challenge the right of a person to hold a public office. इसके बाद केस है जी डी कानकारे वर्सेज शाउडे शुडी आई डोंट नो इसे क्या बोल जाएगा शुडे. The appointment of Advocate General of MP was challenged by private individual who had no legal interest in that office. The court issued a writ of quoverento against the Advocate General. A writ of quoverento is never issued as a matter of course
एंड इट इज ऑलवेज विद इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड आफ्टर हैविंग कंसिडर्ड द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस whether the petitioner concerned is the person who could be entrusted with such a writ, which is always issued only in the interest of the public in general, the court may refuse to grant a writ of quo warranto if it is vexatious, or where the petitioner is guilty of laches, or where he has acquiesced or concurred in the very act against which he complains, or where the motive of the petitioner is suspicious. एक्सटेंशन ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, जहाँ कहाँ एक्सटेंशन हो सकती है हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की, अंडर आर्टिकल 230 पार्लियामेंट कैन बाय लॉ एक्सटेंड और एक्सक्लूड जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट ओवर एनी यूनियन टेरिटरी, द लेजिस्लेशन ऑफ अ स्टेट कैन नॉट इंक्रीज, रेस्ट्रिक्ट और अबॉलिश द जुरिस्डिक्शन. आज की इस वीडियो में इतना ही. आज की वीडियो में हमने पढ़ा दो रिट्स, क्या क्या, सर्शरारी एंड कोवेरेंटो. इससे अगर इससे पहले रिट्स को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हैबिस कॉर्पस एंड मैंडमस एंड प्रोहिबिशन को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो. आज की इस वीडियो में इतना ही. आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आया होगा. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.